इंजीनियरिंग से आप क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब नहीं दी है सर। इंजीनियरिंग करने के बाद दो तीन साल जब मैंने रूम में बैठ के पढ़ी हूँ, मेरे कोई फंक्शन से अटेंड नहीं करे, किसी की शादियों तक मैं नहीं गई सर कि मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद तो मैं जाऊँगी। बट सर देखो ना, कुछ भी नहीं है हाथ में, मेरा क्राइम क्या है मुझे ये बता दो कि मैंने क्या गुनाह किया, मैं आज यहाँ से उठ के चली जाऊँगी। मेरा फॉन्ट बता दो ना सर जी, सर को ये क्यों नहीं दिखता, इतने सारे बच्चे हैं सर। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जुलम करने वाला होता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, और जो जुलम सहता है वो उससे भी बड़ा पापी होता है। सर आपको भी पता है कौरव कितने ज्यादा नंबर्स में थे, और इंसाफ किनको मिला, वही पांच बंदों को पांडव को मिला ना सर, क्योंकि वो सच्चे थे। तो आज हम लोग 2 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होके आए हैं, तो हम भी तो यही मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। सर मेरी एलजी सर से यही डिमांड है कि सर हम बच्चों को मत मारो, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारी बहुत सारे मेरे पापा मेरी फैमिली इस जॉब पे डिपेंड करते हैं कि हाँ बच्चे की अभी सैलरी आएगी तो कुछ अच्छा होगा। तो सर मैं एलजी सर से हैंडफोल रिक्वेस्ट करती हूँ कि एलजी सर प्लीज़ 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 सर हमें भी कंसीडर किया जाए, जो बच्चे इस लिस्ट पे हार्ड वर्क करके आए हुए हैं। नहीं मिल सकते हम आपसे, क्यों नहीं मिल सकते हम आपसे? अब हमें